देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए सिटीजन्स वॉइस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। 1904 से 2020 तक अपनी महत्वता बनाए रखने में तिरंगे में बसे उन तीन रंग और चक्र का नहीं, बल्कि इनमें बसी सभ्यता का हाथ है, क्योंकि उनके रंग अपने आप पे एक नई सोच रखते हैं। तिरंगे का इतिहास। 1904, स्वामी विवेकानंद की शिक्षा भगिनी निवेदिता ने पहली बार राष्ट्रध्वज के बारे में पहली बार सोच रखी थी। 1906, कोलकाता के पारसी बगान चौक यानी ग्रीन पार्क में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में एक ध्वज फहराया गया, जिसमें लाल और पीले रंग और हरे रंग की पट्टियां थी। इसमें ऊपर 8 कमल थे, नीचे लाल पट्टी में सूरज और चांद थे, पीली पट्टी में वंदे मातरम लिखा था। 1907, एक ध्वज पेरिस में मैडम कामा को निर्वासित किए गए कुछ क्रांतिकारियों की ओर से फहराया गया था। इसमें सबसे ऊपर की पट्टी पर केवल एक कमल था, बीच में 7 तारों से सप्तऋषि मंडल दर्शाया गया था। ये ध्वज बर्लिन में हुए समाजवादी सम्मेलन में भी फहराया गया। 1907 में भीकाजी कामा के जरिए भी फहराया गया। 1917, डॉक्टर यानी बीसेंट और लोकमान्य तिलक ने घरेलू शासन आंदोलन के दौरान जिस ध्वज का इस्तेमाल किया, उसमें 5 लाल और 4 हरी आड़ी पट्टियां थी। 7 तारे ध्वज पर भी अंकित थे। ऊपरी किनारे पर बाएं तरफ यूनियन जैक था और एक कोने में सफेद अर्चंद और सितारा भी बना था। ये तीसरा ध्वज था। 1921, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की एक बैठक में एक युवा ने गांधी जी को एक झंडा दिया था, जिसे आंध्र प्रदेश के एक युवक पिंगली वैक्या ने डिजाइन किया था। ये ध्वज लाल और हरा दो रंगों का था। महात्मा गांधी ने शेष समुदाय के प्रतिनिधित्व करने के लिए इसमें एक सफेद पट्टी और चरखा अंकित करने का सुझाव दिया। ये देश का चौथा ध्वज था। 1931, देश में तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पास किया गया और इसे राष्ट्रध्वज के रूप में मान्यता मिली। हम इसे वर्तमान स्वरूप का पूर्वज भी कह सकते हैं। केसरिया सफेद और मध्य में महात्मा गांधी के चलते चरक के साथ इस ध्वज को घेरा गया, जिसका कोई सांप्रदायिक महत्व नहीं, इसलिए उसे राष्ट्रध्वज के रूप में माना गया। ये देश का पांचवा ध्वज था। 1947, देश को गुलामी की बेड़ियों के आजाद होने के बाद इस ध्वज को अंतिम आकार दिया, जिसमें ध्वज में मात्र एक बदलाव किया गया, उसमें चरखे की जगह सम्राट अशोक के धर्म चक्र को स्थान दिया गया। इस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने तिरंगे को अंतिम रूप दिया।